नस्ल पे है सर, एचएफ का ज्यादा काम करते हैं। हाँ। देखो छाईवाल होगी, क्रॉस होगी, थार पार्कर होगी, सभी भी ले लेते हैं तो सेल भी करवा देते हैं। ठीक है जी सर। बाकी भाइयों की डिमांड जो भी होगी पूरी करेंगे सर। ठीक है। मिल्किंग कितने टाइम करवा दोगे सर? मिल्किंग 2 टाइम करवा देंगे, 3 टाइम करवा देंगे, 4 टाइम भी करवा देंगे। ठीक है। रहने वहने की व्यवस्था है, रहे इधर खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। ठीक है। किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता? कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रेन प्यारे आगे लेने जाएंगे, फ्लैट प्यारे हैं तो भी लेने जाएंगे, किसी बात की चिंता न करें सर। ऑनलाइन पशु भेज देते हो? ऑनलाइन सर भेज तो देते हैं, पर पता क्या बात है, जो आदमी खुद इधर आ जाए ना तो 4 आंखों से देख लेंगे, क्यों एक मैं देखूंगा, कुछ ना कुछ मुझे कमी लग रही है तो वो मुझे बताएंगे, कुछ ना कुछ उन्हें कमी लग रही है तो मैं उनको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैन बात है जी। गाय काफी बढ़िया क्वालिटी की बांध रखी है आज तो, ऐसी टाइम ऐसी होती है, भगवान की दया है, 10 से 15, 16, 20 तक भी हो जाती है। अच्छा, फिर तो मान लीजिए बाहर पशुपालक भाइयों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं जहीं से हो जाएगी सर, जहाँ इस फार्म से भगवान की तरह से 10, 15, 20 जितनी भी लेनी है एक दिन में कर देंगे सर। नहीं सर, 40,000 से लेके 2 लाख तक की है। 2 लाख तक की है जी। तो दूध की एवरेज रेंज? दूध की एवरेज मानो सर 15 से लेके 40 तक की है। अगर किसी भाई ने 40 लीटर की गाय खरीदनी हो तो आप मिल्किंग करवा के दे सकते हो? जी सर, 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा। लॉन्ग टाइम रहे, 5 दिन रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने अच्छा। की खाने की पीने की व्यवस्था है। ठीक सर, अच्छी केयर पे चली गई। 32-33 लीटर की जिम्मेदारी दे देंगे। अच्छा जी सर, अभी तो बछड़ी बनी कुछ नहीं ना, अभी तो खा पी के और बनना है बछड़ी ने। ठीक है जी सर। तो इसका जेन्युइन प्राइस 22-23 लीटर दूध खुला निकाला हुआ है, 22-23 लीटर। अब 25 लीटर अच्छी केयर पे, अच्छी केयर पे 25 लीटर दूध की गारंटी दे देंगे सर, 25 लीटर की जी। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए इसको सेल करोगे या बेचने के बाद कोई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज पहुंचे हैं बाग भाई के पास सहज डेयरी फार्म में, और भाई का जो गांव है जगाराम तीर्थ है, जिला इसको बठिंडा पड़ता है, पंजाब में है भाई का डेयरी फार्म, और भाई का खरीद बेच का काम है। पशु आप देख सकते हैं, गाय काफ़ी गाय भाई ने अपने फार्म पे बांध रखी है, और भाई के पास अभी मौके पे बाहर से कस्टमर भी आए हुए हैं, उन्होंने भी 8-10 गाय खरीदी हैं। तो किसी भी भाई ने अगर भाई से गाय खरीदनी हो या भैंसे खरीदनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। आज आपको बढ़िया क्वालिटी की गाय दिखाएंगे, मोल भाव की जानकारी भी लेंगे, और भाई के पास हमेशा ही साफ सुथरी गाय होती हैं, रेट भाई का जेन्युइन होता है। तो आप बेझिझक होकर भाई के पास आ सकते हैं, गायों की खरीदारी कर सकते हैं, और भाई के एरिया में अगर किसी भी भाई ने गाय बेचनी हो या भैंसे बेचनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर डाल दिया है, बेवजह फ़ोन ना करें, गाय खरीदनी हो बेचनी हो तभी आप भाई से संपर्क करें। क्वालिटी आप देख सकते हैं, आज सबसे बढ़िया क्वालिटी की गाय, कम रेट वाली गाय दिखाएंगे, तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। पता करते हैं भाई से एक एक गाय की डिटेल। बाग भाई नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है बाग भाई? बहुत अच्छे हैं सर जी। बढ़िया। अच्छा अच्छा बाग भाई, अपना सेल परचेज का ही काम है ना? जी सर, हाँ सेल परचेज का काम है सर। ठीक है। गाय और भैंसे दोनों ही रखते हैं? दोनों रखते हैं जी, मेरे पहला दादा करते थे, मेरे पापा करते थे, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। जी सर। ठीक है बाग भाई, फोन नंबर अपना 99143 सर 0-10-47। ठीक है बाग भाई, फोन करने का कोई समय है या कभी भी कर सकते हैं? फोन कभी भी कर सकते हैं, पर सर वो कस्टमर करे जिसने लेना है। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। हाँ सही बात है, बेवजह परेशान ना करें। बेवजह ना परेशान करें। ठीक है। तो बाग भाई, अपना जो डेयरी फार्म है उसकी लोकेशन और बता दो। गांव जगाराम तीर सिंह, जिला बठिंडा, तहसील साहबों की तलवंडी। अच्छा पंजाब में ही आ गया? पंजाब का एरिया सर। ठीक है। अच्छा बाग भाई, अपने फार्म पे अभी तो खचा खच भरा हुआ है फार्म? हाँ सर, हर दिन ही ऐसे भरा रहता है, भगवान की दया है, 10 से 15 एनिमल हर टाइम होते हैं। हर टाइम मिल जाते हैं? जी सर। ठीक है बाग भाई, अभी मौके पे कितनी गायों की डिटेल दोगे आप? 4 गाय की सर। 4 गाय की जी। ठीक है। तो नस्ल पे बाग भाई कोई फोकस है कैसे? नस्ल पे है सर, एचएफ का ज्यादा काम करते हैं। हाँ। देखो छाईवाल होगी, क्रॉस होगी, थार पार्कर होगी, सभी भी ले लेते हैं तो सेल भी करवा देते हैं। ठीक है जी सर। बाकी भाइयों की डिमांड जो भी होगी पूरी करेंगे पूरी करेंगे सर। ठीक है बाग भाई, अगर ताजा ब्याई गाय है
जी। तो मिल्किंग कितने टाइम करवा दोगे? सर मिल्किंग दो टाइम करवा देंगे, तीन टाइम करवा देंगे, चार टाइम भी करवा देंगे। ठीक है, रहने वहने की व्यवस्था है, रहे इधर खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। ठीक है, किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ट्रेन प्यारे आगे लेने जाएंगे, फ्लैट प्यारे हैं तो भी लेने जाएंगे। ठीक है, ये बढ़िया बात बोली। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब हमारी जिम्मेदारी रहेगी सर। अच्छा। जब तक कस्टमर की गाय घर नहीं पहुंचती हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, किसी भी बात की चिंता ना करें। किसी भी बात की चिंता ना करें सर। ऑनलाइन पशु भेज देते हो? ऑनलाइन सर भेज तो देते हैं, पर पता क्या बात है, जो आदमी खुद इधर आ जाए ना तो चार आंखों से देख लेंगे। क्यों, एक मैं देखूंगा, कुछ ना कुछ मुझे कमी लग रही है तो वो मुझे बताएंगे, कुछ ना कुछ उन्हें कमी लग रही है तो मैं उनको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जेन्युइन बात है। तो बाघ भाई भैंसे भी रखते हो? भैंसे भी रखते हैं सर। अच्छा, भैंसे कितनी होती हैं अपने फार्म? भैंसे सर कमी होती है, पर ज्यादा गाय होती है। अच्छा, बाहर कस्टमर बैठे हैं, कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से सर। हैदराबाद से कितनी गाय खरीदी उन्होंने? उन्होंने सर 9 गाय खरीदी है। अच्छा, होगी उनकी पूरी? हाँ उनकी पूरी होगी। अच्छा, कब आए थे वो? वो दो दिन पहले आए थे। दो दिन पहले आए थे जी। गाय काफी बढ़िया क्वालिटी की बांध रखी है आज तो, ऐसी ऐसी होती है, भगवान की दया है, 10 से 15, 16, 20 तक भी हो जाती है। अच्छा जी। फिर तो मान लीजिए बाहर पशुपालक भाइयों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही जहाँ से हो जाएगी सर, जहाँ इस फार्म से भगवान की तरह से 10, 15, 20 जितनी भी लेनी है एक दिन में कर देंगे सर, हो जाएगी। और अभी जो मौके पे आपने बांध रखी है ना, मेरे हिसाब से ऐसी गाय अगर आपके पास हमेशा ही होती है तो कहीं भी जाने की आवश्यकता है भी नहीं। नहीं 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 सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की दया है। क्यों, तीन पीढ़ी से सर काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी गांव में जान पहचान है, फोन पे गाय आ जाती है, फोन पे चली जाती है। अच्छा क्या जी सर? हाँ वो बढ़िया बात है भाई, विश्वास बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है। क्यों, जो नवा आदमी जो आज मैं काम करूंगा, मेरे तो 10 साल 15 साल काम बनाने पे ठिया बनाने पे लग जाएगा सर। लग जाएगा, क्यों मेरा ठिया पुराना बना हुआ है खुद का। अच्छा अच्छा जी सर। हाँ इस बात का बेनिफिट होता है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है सर। जो आदमी मानता है कोई एक दुकान नमी चलानी एक बनी पड़ी है सर। हाँ, बनी पड़ी है, इसका फायदा है जी। तो बाघ भाई एक एक करके गायों की डिटेल बता दो ताकि भाइयों को थोड़ा अंदाजा हो सके कि अपने फार्म पे किस मोल भाव की जो गाय अवेलेबल होती है। हाँ तो बाघ भाई रेंज क्या होती है अपने? रेंज सर 40,000 से लेके 2 लाख तक की है। 2 लाख तक की है जी। तो दूध की एवरेज रेंज? दूध की एवरेज मानो सर 15 से लेके 40 तक की है। अगर किसी भाई ने 40 लीटर की गाय खरीदनी हो तो आप मिल्किंग करवा के दे सकते हो? जी सर, 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा। लॉन्ग टाइम रहे, 5 दिन रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने। अच्छा। की खाने की पीने की व्यवस्था है। ठीक है, तो बाघ भाई जैसे मान लीजिए बाहर से कस्टमर आते हैं, अगर गाय सिलेक्ट नहीं होती तो कोई अलग से चार्ज तो नहीं लगता ना? नहीं 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 सर, कुछ नहीं लगता उनको, अपने फार्म से होती है वैसे। हाँ, मानो तो भगवान की दया है, 10 से 15 गाय 20 भी होती है। जो नहीं भी गई इधर से फार्म से सिलेक्ट होती तो गांव में करवा देते हैं, बाहर से दिलवा देते हैं जी सर। मेरे हिसाब से तो बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं पड़ेगी सर, है ना? आज तक तो पड़ी नहीं, आगे देखो। हाँ क्योंकि गाय मैंने देख ली है, मेन बात जो गाय में होती है वो आडर साफ सुथरा स्वस्थ गाय, और ये सभी की सभी गाय ब्रीड वाली गाय है सर। हाँ। सभी ऐसी गाय नहीं है दोगली फोगली गाय नहीं है। हाँ। जो क्रॉस गाय है वो भी होती है, पर हाँ। अभी सीजन ब्रीड के ही आ गया। अच्छा। पहले ज्यादा गर्मी थी तो क्रॉस गाय लेते थे, ठीक है, अब थोड़ी ठंडी हुई है, मौसम चेंज हुआ है। हाँ। तो अच्छी अच्छी गाय ब्रीड वाली है। अच्छा बाघ भाई, ये जो सर्दी का मौसम आता है जी, इसमें ये जो ब्रीड वाली क्यों खरीदते हैं? क्या क्यों, इसमें सर दूध ज्यादा देती है, सेट रहती है। गर्मी में सर ज्यादा गर्मी मानती है, ये गर्मी मनाती है ना, बहुत ज्यादा मानती है। ये बाहर की ब्रीड है ना? बाहर की। अच्छा अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे जर्सी की काफी डिमांड रहती है, जर्सी अपने फार्म पे मिल जाएगी गाय? हाँ सर मिल तो जाएगी, पर जर्सी बहुत कम लेते हैं हम। अच्छा। हम ज्यादा ब्रीड और क्रॉस गाय लेते हैं। अच्छा। हाँ। एचएफ ज्यादा लेते हैं। हाँ। सर थोड़ी हल्की फुल्की क्रॉस लेते हैं। ठीक है, और कोई नस्ल किसी भाई ने खरीदनी हो तो मिल जाएगी सर? किस किस नस्ल की मिल जाएगी? शाहीवाल मिल जाएगी, एचएफ मिल जाएगी, तो तुम्हारा थार पार्क मिल जाएगी। मिल जाएगी वो जी, जर्सी मिल जाएगी। मिल जाएगी जी। ठीक है, तो बाघ भाई एक एक करके गायों की डिटेल बता दो ताकि भाइयों को पता लग सके अभी मौके पे जो गायों का मोल भाव है वो क्या चल रहा है। ठीक है सर। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपको गाय भाई चला के दिखा रहे हैं। सबसे जो मेन बात है इस गाय में वो है अडर। अडर देखें आप, बिल्कुल साफ सुथरा और काफी बड़ा अडर है। अच्छा दूध निकालेगी गाय, बहुत बढ़िया दूध निकालेगी। बाकी भाई से पता करेंगे, मोल भाव की जानकारी लेंगे। अडर एक बार आप चेक कर लें,
अच्छा बाघ भाई, ये पहले नंबर पे जो गाय चला के दिखाई है, काफी खूबसूरत और काफी स्वस्थ, काफी बढ़िया क्वालिटी की गाय है। जी सर। अच्छा नस्ल कौन सी है ये बता? ये सर फुल ब्रीड में है, एचएफ ब्रीड की। अच्छा दूसरे ब्याह था सर, चार दांत है। चार दांत है जी। ब्याही हुई है, बहने वाली नहीं है? बच्चा देने वाली है सर, बिल्कुल रेडी है। अच्छा आज या सुबह ब्याह जाएगी? आज या कल में है? कल में ब्याह जाएगी सर। क्या अंदाजा है अपना दूध का, कितना निकाल दूध सर? फार्म से ली हुई बछड़ी है, ठीक है, 22-23 लीटर दूध खुला निकाला हुआ है। 22-23 लीटर लीटर अब 25 लीटर 80 केयर पे, अच्छी केयर कर पे 25 लीटर दूध की गारंटी दे देंगे सर। 25 लीटर की जी। अच्छा अभी जैसे मान लीजिए इसको सेल करोगे या बेचने के बाद कोई लेना चाहे तो टोकन डलवाओगे या क्या करना? जो सर आदमी ऑनलाइन मंगाना चाहता है वो तो टोकन डालेगा, ठीक है। ठीक है, जो आदमी खुद इधर आके लेना चाहता है तो वो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कहाँ से भी आएगा उनको आगे से पिक करेंगे, ट्रेन से आ रहा है तो वैसे करेंगे, फ्लैट पे आ रहा है वैसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाघ भाई इसका जेन्युइन प्राइस बता दो। जेन्युइन रेट इसका सर दाम 75,000 कर रहे हैं, पर देनी सारे 65,000 की है। मात्र 65? हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। अच्छा जी। दूध कितना बताया? दूध सर 25 लीटर कंटे वाला, गारंटी वाला है, बोलने वाला नहीं है। अच्छा बाकी सुख देखो, इतनी शांत स्वभाव की है, फिर बच्चे मिल्किंग कर ले। अच्छा अच्छा, काफी शांत स्वभाव की है। हाँ जी सर। ऑर्डर बढ़िया बना रखा है गाय ने जी सर। ठीक है बाघ भाई, दूसरे नंबर वाली और गाय चला के दिखा दो। तो दोस्तों इस गाय की डिटेल बाघ भाई ने बता दी है, पूरी की पूरी गारंटी ली है भाई ने, 25 लीटर दूध निकालेगी और रेट बिल्कुल जेन्युइन किया है भाई ने। बाकी किसी भी भाई ने ये गाय खरीदनी हो तो आप बाघ भाई से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर ये गाय है, हाइट लेंथ मीडियम है, लेकिन दूध के मामले में बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। आर्डर साफ सुथरा है, बढ़िया आर्डर है गाय का। बाकी बाघ भाई से पता करेंगे, मोल भाव की जानकारी लेंगे, गाय ने दूध कितना निकालना है और इसका जो जेन्युइन प्राइस है वो क्या है। किसी भी भाई ने कोई भी गाय खरीदनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भाई का स्क्रीन पर डाल दिया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाघ भाई ने भी बोल दिया है कि जिस भाई ने गाय खरीदनी हो वो ही भाई फ़ोन करें, बेवजह फ़ोन ना करें आप। हाँ बाघ भाई, ये कौन से ब्यांत में है? ये सर दूसरे बार बच्चा दे रही है। अच्छा। दो ही दांत है सर मुंह से। ये नस्ल कौन सी आ गई? ये सर हल्की बुल्की क्रॉस है, थोड़ी क्रॉस है, थोड़ी क्रॉस है सर। अच्छा हाँ, बहुत शानदार बछड़ी है, थोड़ी मीडियम है। हाँ। और नीचे से मीडियम नहीं बोल सकते इसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? अभी 7-8 दिन की कच्ची है, जब पूरी रेडी हो जाएगी तो फुल भर जाएगी सर। अच्छा 7-8 दिन बाकी है। बाकी है सर। दूध कितना निकाल देगी? दूध सर बोलने को तो इसको 25 बोल दो, 30 बोल दो। हाँ। पर 20 लीटर से सर मरेगी नहीं, 20 लीटर की गारंटी देंगे खुद। अच्छा। पे नाप के दे देंगे 20 लीटर। 20 लीटर जी। जेन्युइन प्राइस इसका क्या है? इसका प्राइस सर है 70,000। हाँ। पर 60,000 में डन करनी है। 60,000 हाँ ना है? हाँ जा ना, 100 भी नहीं उसमें गंजैसे 60,000। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों रेट भाई ने बता दिया है, दूध भी बता दिया है। भाई ने जितना दूध बताया है दूध गाय इतना निकाल देगी मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी भाई ने ये गाय खरीदनी हो तो बाघ भाई का जो नंबर है वो डाल दिया है, आप बाघ भाई से संपर्क कर सकते हैं। अड्डर आप देख सकते हैं, अड्डर पे जो वैन है वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की गाय है। दोस्तों दो गायों की डिटेल आपको बता दी गई है, तीसरे नंबर पे ये गाय है, हाइट लेंथ मीडियम है, अडर साफ सुथरा है और जो थनों का स्पेस है वो आप देखें काफ़ी बढ़िया है। इस गाय की भी डिटेल बाघ भाई से पता करेंगे।
हाँ बाग भाई, तीसरे नंबर वाली गाय है ये, क्रॉस में है ना? एक क्रॉस में है सर। अच्छा, दो ही दांत बच्चा है, फर्स्ट बार बच्चा देगी सर, पहले दांत में। हाँ, ऐसे मानो 20 दिन की कच्ची है अभी। ठीक है, बहुत ज्यादा कच्ची है। हाँ। अभी नीचे से बछड़ी भरेगी फिर अच्छी लगेगी। ठीक है सर, बिल्कुल स्वस्थ गाय है, बहुत अच्छी। अच्छा बाग भाई, कितना दूध का अंदाजा है अपना? इसको सर बोलने को 20 बोल दो, 25 बोल दो, पर सर जो 16-17 किलो दूध देगी, निकाल देगी सर। ठीक है। हाँ। प्राइस क्या कर रहे हो इसका? इसका सर प्राइस जो इसका भी कर रहे हैं 70,000। हाँ। पर 60,000 में सर डन करनी है। 60,000 जी सर। अच्छा बाग भाई, क्वालिटी काफी बढ़िया है, रेट काफी डाउन है आपके? रेट सर ऐसे ही है, बोलने को तो अच्छे अच्छे रेट देंगे तो फिर ही कस्टमर आएगा, फिर ही हमारा 20-30 साल से काम चल रहा है। ठीक है ठीक है, जे ज्यादा रेट करेंगे तो कौन आएगा, कौन माल हमारे से परचेज करेगा? एक बार में किसी को लूट के नहीं खाना है, लूट के नहीं खाना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। मुर्गी नहीं काटनी, अंडा खाना है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। है भाई, जो बाहर से आते हैं उनको भी मुनाफा होना चाहिए और अपने को, अपने को। जो सर किसी आगे कस्टमर को नफा होगा तो फिर दूसरी बार हमारे को नफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बार आदमी इधर काट गया तो दूसरी बार कौन आएगा सर? बिल्कुल सही बात बोली भाई जी। तो बाग भाई, चौथे नंबर वाली दोस्तों, तीसरे नंबर वाली जो गाय है, गाय की डिटेल भाई ने बता दी है, रेट मेरे को बिल्कुल जेन्युइन लगा है, बाकी आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। और अच्छे इंसान है भाई, साफ सुथरा भाई का काम है। दोस्तों चौथे नंबर पे ये गाय है, हाइट लेंथ काफी जबरदस्त है गाय की, और जो अडर है बिल्कुल फिक्स अडर है, थनों को आप चेक कर सकते हैं, बाकी डिटेल भाई से पता करेंगे, बाग भाई से किस मोल भाव की ये गाय है, दूध कितना निकालेगी, सारी जानकारी लेंगे भाई से। हाँ बाग भाई, थोड़ी सी कमजोर है गाय है ना? ये सर फार्म वाली गाय है। अच्छा, तो फार्म में थोड़ी केयर कम होती है, केयर कम, ज्यादा एनिमल होते हैं ना। हाँ हाँ। तो सर ये गाय बहुत अच्छी है, मुंह से 6 दांत है, ये नस्ल है फुल ब्रीड है सर, HF की फुल ब्रीड, खुली ब्रीड। ठीक है ठीक है सर, तो 6 दांत है। हाँ। दूसरी बार बच्चा देगी सर, दूसरी बार जी सर। कितना टाइम बाकी है इसके सर? मानो 8-7 दिन ले जाएगी, 8-7 दिन बाकी है, 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए। ठीक है, क्या अंदाजा है दूध का अपना? दूध का सर इसने पहले 30 लीटर दूध निकाला हुआ है। कौन से ब्यांत? पिछले ब्यांत में? पिछले ब्यांत में सर, अब दूसरे बार बच्चा देगी। हाँ, इस बार 6 दांत है मुंह से। आप कितने दूध की गारंटी ले रहे हो सर? अच्छी केयर पे चली गई, 32-33 लीटर की जिम्मेदारी दे देंगे। अच्छा जी सर, ठीक अभी है। तो बछड़ी बनी कुछ नहीं ना, अभी है। तो खा पी के और बनना है बछड़ी ने। ठीक है जी सर। तो इसका जेन्युइन प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सर 90,000। हाँ। पर 80,000 में डन करनी है, 80,000 में। हाँ ना है? हाँ ना, 100 की गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है जी सर। तो दोस्तों इस गाय की डिटेल भी बाग भाई ने बता दी है, रेट भाई ने बता दिया है, इस गाय का जो रेट है भाई ने बता दिया है, कम नहीं होगा, उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाई के पास गाय तो काफ़ी है, लेकिन 4 गायों की जो डिटेल है भाई ने बता दी है, इससे आपको अनुमान होगा कि भाई के पास किस मोल भाव की जो गाय है वो अवेलेबल होती हैं। तो भाई का भैंसों की जो खरीद बेच है वो भी भाई करते हैं, और गाय भी भाई खरीद बेच करते हैं। भाई ने बता दिया है किसी भी नस्ल की अगर आपने गाय खरीदनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की अगर आपने गाय लेनी हो तो आप बाग भाई के फार्म पे पहुंचें, किसी भी तरह की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाग भाई ने हर गाय की पूरी गारंटी ली है। हाँ बाग भाई, फोन नंबर एक बार और बता दो अपना। 99143 सर। हाँ। 0-10-47। ठीक है बाग भाई, एक बार लोकेशन और बता दो अपना फार्म की। गांव जगाराम तीर्थ सर। हाँ। जिला बठिंडा, तहसील साहब की तलवंडी। ठीक है, नजदीक कोई रेलवे स्टेशन है? बठिंडा सर। बठिंडा रामा भी है, बठिंडा भी है, मौड़ भी है सर। बठिंडा यहाँ से कितना है? बठिंडा जहाँ से सर 35 किलोमीटर है नौरे अपने फार्म से। अच्छा 35 किलोमीटर। मानसा 30 किलोमीटर सर। अच्छा मौड़ 18 किलोमीटर सर। मौड़ मंडी? मौड़ मंडी सर। अच्छा मौड़ मंडी जो भैंसों की वो मंडी भी लगती थी जी सर? हाँ लग रही है, बहुत। हाँ लग रही है सर, सारे पंजाब से बड़ी मंडी है वो 20 तारीख के मौड़। अच्छा जी सर, ठीक है। तो बाग भाई काफी अच्छे आपने जो अच्छी क्वालिटी की गाय आज दिखाई हैं, और जिस भी भाई ने जो भी गाय खरीदनी होगी आपसे संपर्क कर लेंगे जी सर। तो ठीक है बाग भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार सर। ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, भाई की बातें आपको कैसी लगी और गाय आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।